कंपनी का सम्मेलन करवाते समय दो महत्वपूर्ण प्रलेख रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने होते हैं। एक है पार्षद सीमानियम और दूसरा है पार्षद अंतरनियम, विच इज़ नोन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्चुअल के अंदर पार्षद सीमानियम जो है वो एक आधारभूत प्रलेख है और इस प्रलेख के अंदर जो शर्तें दी हुई है, जो बातें की हुई है, जो वाक्य जिसमें प्रोविज़न दिए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करना है कि इस कंपनी का सम्मेलन करना है अथवा नहीं करना है। मूलतः पार्षद सीमानियम एक तरह से कंपनी का चार्टर है, या यूं कह लीजिए कंपनी का एक एरिया है, एक क्षेत्र है बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट ट्रेवल। उसके बाहर अगर कंपनी चली जाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। इसको अपन अल्ट्रा वायर कहते हैं, अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य। तो कोई भी तृतीय पक्षकार जब कंपनी के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करती है तो उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए अपन ऋण दे रहे हैं या जिस प्रयोजन के लिए अपन संविदा कर रहे हैं, वो उस कंपनी के अधिकार में है अथवा नहीं है। बेसिकली इट्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये एक सार्वजनिक प्रलेख है जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो कोई आदमी इस आधार पर बच नहीं सकता कि हमें पार्षद सीमानियम के अंदर जो बातें लिखी हुई है उसके संबंध में जानकारी नहीं थी। एक आगे चल करके अपन देखेंगे रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का भाव ये है कि जो कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करेगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि हमें जो है कंपनी के बारे में जो भी लाज एंड बायलाज और लिमिटेशन है उसके बारे में उन्हें समग्र जानकारी है, और यदि नहीं भी है तब ये मान लिया जाएगा कोई भी व्यक्ति इस अज्ञानता के आधार पर अपने दायित्व से बच नहीं सकता। तो अगर अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 56 के अनुसार अगर अपने इसको डिफाइन करें, हालांकि उससे इसके कोई लाक्षणिक गुणों की जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि अधिनियम की परिभाषा है तो ये इस प्रकार है। सीमानियम से अभिप्राय ऐसे पार्षद सीमानियम से हैं, अगेन आई रिपीटिंग, सीमानियम से अभिप्राय ऐसे पार्षद सीमानियम से हैं जो इस अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013, इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से, ओरिजिनली इट इज फ्रेम्ड, मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय समय पर परिवर्तन किया गया हो। तो इस अधिनियम के तहत भी हो सकता है, अर्लियर अधिनियम के तहत भी हो सकता है, अमेंडमेंट भी किया हुआ हो सकता है, लेकिन अगर वो निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अगर उसकी ड्राफ्टिंग हुई है तो उसे पार्षद सीमानियम माना जाएगा। न्यायमूर्ति चार्ल्स वर्थ के अनुसार पार्षद सीमानियम कंपनी का अधिकार पत्र, मैंने आपको कहा ना ये चार्टर है, कंपनी के शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है। कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी क्या क्या निर्णय ले सकती है, ये सारी जो सोर्स ऑफ पावर है वो है पार्षद सीमानियम। बोवे ने बहुत ही संक्षेप के अंदर और बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है कि सीमानियम में वो आधारभूत शर्तें होती है, बेसिक कंडीशंस, आधारभूत शर्तें होती है जिनके आधार पर कंपनी के सम्मेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है। देन रजिस्ट्रार हैव टू एंश्योर कि जो बातें पार्षद सीमानियम के अंदर दी गई है वो विधिक है या नहीं है, जननीति या लोकनीति के विरुद्ध तो नहीं है,
अनैतिक तो नहीं है। अगर ऐसी बात अगर दी हुई होगी तो उस कंपनी को पंजीयन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इसलिए ये बात कही गई है कि इनमें वो शर्तें होगी जिनके आधार पर रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करेगा कि इस कंपनी का समामेलन करना है अथवा नहीं करना है। तो जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई है उसकी अगर मैं संक्षेप में विवेचना करूं तो ये निम्नांकित बातें ऐसी है जो पार्षद सीमानियम को जो है वो स्पष्ट करेगी। अधिकांश बातें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। पहला पॉइंट है आधारभूत प्रलेख, मैंने कहा ना ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये। दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रलेख, अगर आप प्रलेखों का अगर कंपैरिजन करें, वैसे ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट लेकिन जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रलेख है। और एक तरीके से मैंने कहा ना ये तो एक तरह से सोर्स ऑफ पावर है कि भाई कंपनी के पास में क्या क्या मूल अधिकार है, इन बातों की जानकारी केवल सीमानियम से ही हो सकती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है बनाना अनिवार्य, आप चाहे कोई सी भी कंपनी हो यू आर बाउंड टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक कंपनी है तो अंतर्नियम बनाना अनिवार्य नहीं है, आप अनुसूची ए की जो टेबल ए है उसके जो प्रोविजंस है वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। लेकिन चाहे सार्वजनिक कंपनी हो और चाहे निजी कंपनी हो आपको पार्षद सीमानियम तैयार करना अनिवार्य है। फिर है उद्देश्यों का निर्धारण, कोई भी कंपनी क्या करना चाह रही है, किधर जाना चाह रही है, उसका मोटिव क्या है, तो ये उद्देश्य वाक्य के अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से दिया हुआ होगा कि कंपनी किस प्रयोजन के लिए समामेलित की जा रही है। फिर अधिकार या सीमाओं का निर्धारण, मैंने आपको कहा ना कि इट इज़ द लिमिटेशन बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट ट्रेवल, ये एक लक्ष्मण लाइन है, उसके बाहर कोई भी कंपनी प्रवेश नहीं कर सकती। फिर आपने बताया आधारभूत शर्तों का निर्धारण, मैंने आपको कहा ना इसमें वो शर्तें दी हुई होगी जिनके आधार पर समामेलन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। फिर पॉइंट है अभिदाताओं का निर्धारक, जब संघ और हस्ताक्षर वाक्य है उसके अंदर जो सब्सक्राइबर जो अभिदाता कंपनी के अंदर शिरकत करना चाहते हैं, कंपनी को मूर्त रूप देना चाहते हैं, उनकी जानकारी भी पार्षद सीमानियम के माध्यम से हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। सार्वजनिक प्रलेख मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी व्यक्ति एक निश्चित शुल्क के आधार पर जो है वो इसका जो है लेखा जोखा इसको देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इवन कॉपी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनीय प्रलेख, इट कैन बी अल्टर्ड। हालांकि जितना आसान परिवर्तन अंतर्नियम में है उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी विधिक प्रक्रिया के तहत पार्षद सीमानियम के अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है। सदस्यों एवं बाह्य पक्षकारों के साथ में अनुबंध का आधार, कोई भी बाह्य पक्षकार जब अनुबंध करने जा रहा है तब उसको ये देखना पड़ेगा कि वो अनुबंध सीमानियम की सीमाओं के भीतर है अथवा नहीं है। यदि नहीं है देन इट इज ट्रीटेड एज अल्ट्रावायर और अल्ट्रावायर के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। इसी तरह से सीमानियम के भीतर कार्य करने पर कंपनी ही उत्तरदायी होती है या एजेंसी का सिस्टम लागू होगा, जो भी संचालक या सदस्य या प्रवर्तक नाम कुछ भी कह लीजिएगा, अगर कंपनी के माध्यम से काम करेंगे और अधिकार सीमा के भीतर काम करेंगे तो ऐसे कामों के लिए कंपनी अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने वालों का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। सभी पक्षकारों के लिए जानकारी का आधार, सभी पक्षकारों के लिए जानकारी का आधार, मीनिंग देयर बाय कि कोई भी पक्षकार अगर कोई जानकारी जुटाना चाहें तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो पार्षद सीमानियम के माध्यम से वांछित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये है अपने पार्षद सीमानियम की महत्वपूर्ण बातें। इससे मिलता जुलता एक कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है और वो है पार्षद सीमानियम का महत्व, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी, इट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव
इट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके महत्व को अपन इन आधारों पर समझ सकते हैं। नंबर एक, कंपनी का आधार, शाह ने लिखा है ये वास्तव में वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है, जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है। जो स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर उसी सीमानियम की शर्तों पर ही आधारित होगा। नंबर दो है कार्य क्षेत्र का निर्धारण, इट डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी। रमय ने लिखा है कि द मेमोरेंडम इज द एरिया बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट ट्रेवल। वो एरिया, वो लक्ष्मण लाइन, वो क्षेत्र तय करेगी जिसके बाहर कोई भी कंपनी ट्रेवल नहीं कर सकती। कंपनी के अधिकारों का स्रोत, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, इट इज द सोर्स ऑफ द कंपनीज राइट। चौथा पॉइंट है कंपनी का पथ प्रदर्शक, इट इज द गाइड टू द कंपनी। कंपनी कहाँ जाना चाह रही है, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, व्हाट द एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये कंपनी, ये सारी जानकारी जो है वो पार्षद सीमानियम के माध्यम से प्राप्त होगी। फिर है विनियोजकों की सुरक्षा, अगला पॉइंट है ऋणदाताओं की सुरक्षा, दोनों पॉइंट समान है। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहें, कंपनी को ऋण देना चाहें, तो सबसे पहले ये तय करेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं जो ऋण देने जा रहा हूँ ये सीमानियम के भीतर है अथवा नहीं है, सीमानियम की जो लिमिट है उसके अनुसार है अथवा नहीं है। अगर लिमिट से बाहर अगर आपने ऋण दे भी दे दिया तो ऐसी स्थिति में आप ऋण को वापस लेने की स्थिति में नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट है अन्य पक्षकारों की सुविधा, कोई भी तृतीय पक्षकार जो अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करना चाहता है उसके लिए ये प्रलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अंतिम पॉइंट है राष्ट्रीय हितों का पोषक, राष्ट्रीय हितों का पोषक इस दृष्टिकोण से है, यदि आपने कोई इस तरह की बात या इस तरह की चीज़ें आपने उसके अंदर समावेशित कर दी जो जन नीति, लोक नीति या राष्ट्रीय हितों के विपरीत है, तो आपको कंपनी के रूप में मान्यता ही प्राप्त नहीं होगी। तो स्वाभाविक तौर पर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक तरीके से राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो राष्ट्रीय हितों के पोषक के रूप में भी ये प्रलेख कार्य करता है। दैट्स ऑल।